हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की मेरी रेसिपी है मसाला मैगी। मैगी खाने में बहुत टेस्टी होती है और बनाने में बहुत ही इजी होती है। अगर आप मैगी को इस रेसिपी से बनाएंगे तो मैगी टेस्टी के साथ साथ हेल्दी भी हो जाएगी। मसाला मैगी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिए हैं 2 मैगी के पैकेट। ये टेस्ट मेकर है जो मैगी के पैकेट में ही आता है। 1/4 टीस्पून सॉल्ट, 1 बारीक कटा हुआ टमाटर, 1 बारीक कटी हुई प्याज, 1 बारीक कटी हुई शिमला मिर्च और 1 बारीक कटी हुई हरी मिर्च और 1 टेबल स्पून ऑयल। तो चलिए शुरू करते हैं मसाला मैगी बनाना। मसाला मैगी बनाने के लिए कोई भी पैन या फिर कढ़ाई लेकर गैस को ऑन कर देंगे। उसमें 1 टेबल स्पून ऑयल डाल देंगे। अब इसको मीडियम फ्लेम पर गर्म होने देंगे ऑयल को। ऑयल अच्छे से गर्म हो गया है, अब इसमें प्याज डाल देंगे, हरी मिर्च भी डाल देंगे। अब इसको 1 मिनट तक अच्छे से भून लेंगे। गैस की फ्लेम को मीडियम रखेंगे। अब अनियन जो है वो अच्छे से भुन गई है, इसमें टमाटर डाल देंगे। अब टमाटर को 1 से 2 मिनट तक भून लेंगे, जिससे कि जो टमाटर हैं वो सॉफ्ट हो जाएं। अब ये देखिए टमाटर अच्छे से भुन गए हैं और अच्छे से सॉफ्ट भी हो गए हैं। अब इसमें जो शिमला मिर्च है बारीक कटी हुई, उसको डाल देंगे। अब शिमला मिर्च डालकर हम इसको 1 मिनट तक भून लेंगे। गैस की फ्लेम मीडियम ही रखेंगे। अब शिमला मिर्च भी अच्छे से भुन गई है, इसमें सॉल्ट डाल देंगे। सॉल्ट हम कम ही रखेंगे क्योंकि टेस्ट मेकर में भी सॉल्ट होता है। मिक्स कर देंगे सॉल्ट को। अब इसमें टेस्ट मेकर डाल देंगे। ये जो टेस्ट मेकर है वो मैगी के पैकेट के साथ ही आता है। अब मिला देंगे अच्छे से इसको इस तरह से। अब इसमें डालेंगे 2 कप पानी। अब अच्छे से मिला देंगे। अब इसको हाई फ्लेम पर अच्छे से बॉईल होने देंगे। अब पानी बॉईल हो गया है, इसमें जो मैगी के नूडल्स हैं उनको डाल देंगे। ये मैंने तोड़कर डाला है नूडल्स को। अब मिक्स कर देंगे अच्छे से। जब तक नूडल्स अच्छे से नहीं मिल जाते इनको चलाते रहेंगे, इस तरह से चलाएंगे। मैगी नूडल्स डालने के बाद इनको 2 मिनट तक पका लेंगे। लगभग 1 मिनट के बाद नूडल्स को एक बार चला देंगे अच्छे से इस तरह से। अब इनको फिर से 1 मिनट तक और पकने देंगे। अब मैंने यहाँ पर नूडल्स को डालने के बाद 2 मिनट तक पका लिया है। अब गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे। अब जो हमारी मसाला मैगी है वो बनकर बिल्कुल तैयार हो गई है। इसको सर्विंग बाउल या प्लेट में निकाल लेंगे। आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई करें और मुझे बताएं कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरा वीडियो लाइक करें और मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय बाय।